हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ नंदा देवी के मेले हल्द्वानी में, आवाज़ विकास में लगता है। तो अभी यहाँ तैयारी चल रही है, अभी है डोले की तैयारी, जिसमें से डीजे का सेटअप रेडी हो चुका है गाड़ी में। वहाँ पे स्टेज बन चुका है, नंदा देवी के लिए स्टेज बन रहा है, वहाँ पे मूर्ति रखी जाएगी उनकी, और जो बच्चों के जो शो होंगे वो ठीक सामने स्टेज पर होंगे। अभी फील्ड में भाई कल शाम ऐसी बारिश हो गई थी, अच्छे खासी सफाई करी थी, देखो बारिश ही बारिश से पूरा पानी भर गया। तो अब सोच रहे हैं कि भाई धूप अच्छी से हो जाए तो ये सूख जाए, तो हो ही। सो गाइस, मंदिर से मैं अभी आ गया हूँ क्योंकि वहाँ पे चल रही थी डोले की तैयारी, और मैं फटाफट घर आ गया, मुझे लग रही थी भूख, तो मैं आया नहीं, लोगों ने खाना बनाया नहीं, और दिन के बज रहे हैं 2। अभी बना रही है दाल, ऐसा बन चुके हैं राइस, और भाई देखो पसीने से तर हो गई है, इतनी गर्मी भाई हल्द्वानी में। परसों कोहरा हो गया था, अभी मौसम मस्त सा हो रहा है, कोई धूप नहीं दिख रही, यहाँ से देख रहा है भाई कोई धूप नहीं है, लेकिन गर्मी देखो मैं पूरे पसीने से तर हो रहा, मतलब इतनी उमस हो रही, इतनी भयंकर उमस हो रही है। और अभी मैं ले आया था बिरयानी भी, क्योंकि गर्म गर्म हो रही है, तो इसके बाद हम लोग बिरयानी भी खाएंगे और अपनी वाइफ को भी खिलाऊंगा। और ये पसीने से इतने मेहनत कर रही है बेचारी, तो पता नहीं कैसे, मैं तो रह नहीं पाऊँगा इतनी गर्मी में, लेकिन थैंक यू कि आप इतनी मेहनत करते हो, बस बस इतनी नाराजगी गुस्से में, कभी प्रेम से भी रहो वही। और बहुत जल्द मैं सोच रहा हूँ कि मैं दाल बनाना भी सीख जाऊँ, मसूर की दाल हम ज़्यादा खाते हैं क्योंकि मेरी फेवरेट दाल है ये। वही कान साफ करने लग गए मेरा, फोड़ मत दिया, धीरे धीरे करना। अरे भाई कैसे कर रही है, बढ़ते माचिस की दिल्ली से। और भाई आराम से चलो, पूरा धीरे धीरे डालते हैं, जानवर की तरह डाल दिए बिल्कुल एकदम सीधे। कहाँ डाल ली हूँ, अंडे डाल ली छेद यहाँ पर डालने में भी आपकी बैंड बज रही है। दिख भी रहा है, साफ होगा गान यार, दिख रहा है कुछ क्यों नहीं है, इतने हाँ साफ सुथरा। सुबह रात के बज रहे हैं 11 बज गए, 12 नहीं यार 11 बज गए हैं भाई, और 11 बज के भूख लगने का टाइम हो चुका है। तो सबसे पहले हम चाचा के लिए मच्छी ले जाएं, आज बनाई थी घर में फिश और बनी थी बहुत अच्छी डिश। तो चलो भाई पैक कर दो चाचा नू, जब भी नॉनवेज बनता है तो चाचा के लिए भाई पक्का पैक हो जाता है। चाचा के लिए मतलब समझ में नहीं आती है आपके, क्या कर रहे चाचा के लिए, सोचो दो गरम गरम रोटी बना दो भाई साहब, कुछ ना कुछ तो चाहिए भाई, ना पैक कर दो फटाफट। मामला कितना है, ओम फो काफ़ी बचा है। सो गाइस, मैं अभी इनके साथ मिल के बना रहा हूँ अभी आज मेथी के पराठे, पर डे कुछ ना कुछ अलग ही सीखता हूँ, तो आज मेथी के पराठे ये बेल ली है और मैं सीख रहा हूँ। और सर बना रहे हैं यहाँ पे, सर आप क्या बना रहे हैं, भुर्जी तो यहाँ बन रही भाई अंडे की भुर्जी, ओ भाई। और जब भी मैं पराठा बना रहा हूँ तो ये जल जा रहा है, कोई बात नहीं आज नहीं तो कल सीखेंगे, लो लग गया चल गया, देखते हैं तो कर देते हैं आज को थोड़ा सा कम, वरना भाई साहब मैम साहब बैठ ले पेलेगी। कुकिंग चैनल ही खोल लो ना, कुकिंग चैनल खोल लेंगे बहुत जल्द, आपका साथ रहा तो। ओ भाई, तो भाई इतना आज ये रहा, मैं अपनी बीवी का बना रहा हूँ पिज्जा फ्राई, दिमाग का हो रहा है पिज्जा फ्राई, ये देखो अपने साली का बना रहे हैं तंदूरी चिकन, ये भाई अब डालेंगे प्याज, उसके बाद पड़ेगा क्या पड़ेगा हरी मिर्च, उसके बाद डालेंगे टमाटर, उसके बाद जल गया तुम्हारा सर, जल गया नहीं ये देखा फिर उल्टी बात। भाई जितने पराठे खाने थे रोटी खानी थी उन्होंने खा लिया, फिश बनी है तो मैं तो रोटी सब्जी रोटी और फिश और उसके साथ राइस, बस और तीसरी कुछ चीज़ नहीं खाने वाला, मतलब दूसरी चीज़ सब्जी फिश के साथ कुछ चीज़ नहीं, तो लेने गई है भाई। और मैं अपनी सीट पर आराम से बैठ गया हूँ नहा धो के फुल, लेकिन एली का एली भारी है, और एली को आज कुछ नहीं देना है भाई, कांटा वाटा गले में फंस जाएगा। तो फाइनली भाई फिश लगा के ले आई, थोड़े से प्याज और भाई रोटी राइस है नहीं, वही राइस कहाँ है ना, पहले ये खाओ, थोड़ा थोड़ा खाते हो अब तो। अच्छा तो भाई थोड़ा थोड़ा खाता हूँ, लेकिन ये तो पूरी थाली भर के ले आई अब, ये तो मामला सब्जी का मामला ना थोड़ा कम होना चाहिए। खाना खाना खा लेते हैं, ये देखो पहले आ गई, चलो क्या तुझे भी खाना है, भूख लग गई होगी ना, खुशबू लग गई होगी, भूख तो नहीं लगी होगी, खुशबू से जरूर, और इतना खाना खा लिया है, सबसे पहले हमारे घर में ये खाना खाती है, थोड़ा जल गया वो बर्निंग से, क्यों थोड़ा जल गया।